Kuldhara village. An extreme corner of western part of India, jaisalmer. ये वो भूतिया जगह गांव है जिसे जो विख्यात है उस नाम से लोग घूमते हैं यहाँ आने से डरते हैं हमें भी बड़ा डर लगता है और कई पर्यटक है हमारे साथ बारिश भी गिरती होगी शायद कभी आज भले यहाँ पर सूखा पड़ता हो क्या आप देख सकते हैं अरे ज़ूम करने के लिए स्टैंड बाय करना पड़ता है यहाँ से को बचाए रखने के लिए यहाँ से पानी निकाल दिया जाता होगा यानी ये व्यवस्था को देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सच में बहुत अच्छा समय है और बारिश भी बहुत पत्थर की दीवारों पर मिट्टी और चूने से और गोबर से मिलाकर एक ऐसा प्लास्टर बनाया गया था जिसे इसकी मजबूती मिली थी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पक्की मकान और पक्की दीवारें बनाए थे लकड़ियों का भी है इस्तेमाल मोटे मोटे बल्ली और ऊपर से उसको और मिट्टी और उसके कई लेपों से लेयर से ढका गया मजबूती और बारिश के एकमात्र बूंद भी ना गिरे उस चीज से और इससे भी ये भी पता चलता है कि ठंड गर्मी जब पड़ती होगी तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल पत्थरों की दीवारों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं होता होगा और यहाँ पे ऊपर घास होने की वजह से वेंटिलेटर से हवा भी आती होगी और बीच बीच में ये पिलर्स का काम जो है इस पूरे सीलिंग को ये पिलर्स का काम जो है काफी मजबूती से खड़े रहने का भी एक यूनिक सिस्टम दिया हुआ है गांव वालों ने पिलर जैसे ये हालांकि ये पिलर बहुत ज्यादा कठोर या बहुत ज्यादा मजबूत आधारशिला वाली अहमियत नहीं रखता है फिर भी पत्थरों से ही बना हुआ है इसीलिए मजबूती आ गई है पत्थरों के बड़े बड़े ईंटों से पिलर्स को खड़ा किया गया है और जैसे हमारे आज के आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोग काफी समृद्ध थे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने मकानों को बनाया था ये कमरा शायद किसी सभा या किसी जगह पे बैठ के कुछ करने के लिए किया गया होगा यदि क्या है और एक्सटेंडेड अच्छे जावे ये ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में उसमें वो है इसकी धूल है बसे अच्छी से उठे जा झाड़ धूल है बसे गई আর ই থাকতে থাকতে রোদে এক তো বসিস না দেখে ঢুকে এসো छत का यूनिक सिस्टम भी है हालांकि देखो एक मंजिला छत ही है और यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि जस्ट हमने कुछ चार दीवारी फांद के आए हैं इस जगह में ये अलग अलग सबसे ज़्यादा जो टूटा फूटा और खंडहर बना अवस्था है वो कुल्हरा का यही दिखता है आज ये परिदृश्य बनाया गया है लोगों के मनोरंजन के लिए पर आमतौर पर इस तरीके की एक कॉलोनी जिसको कहते हैं एक रहवासी जगह का पूरी तरीके से खंडहर बन जाना एक बहुत अजीब बात है कि रातों रात लोग कैसे चले गए ये कुलधरा का जो गांव का शूटिंग है एक फिल्म में भी नज़र आया है कालो फिल्म जिसमें सीआईडी के एक सीनियर एसीपी का रोल जो करते हैं के बाद और जो देवा क्या नाम है उनके बाद एक एक्टर है स्मार्ट से खूबसूरत से उन्होंने कालो फिल्म में एक्टिंग किया हुआ है जिसमें कई सारे पैसेंजर्स के साथ वो बस में आते हैं दूर उस रास्ते से और इसी गांव में उनके साथ कई हादसे होने शुरू हो जाते हैं आखिरी में वो एज हीरो बचते हैं और एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं इसी आप उस फिल्म को अच्छे से गौर से देखिएगा आपको ऐसे ही दीवारें दिखेंगी
फिल्म में जैसलमेर का जिक्र किया भी गया है, और एकमात्र भूतिया गांव जो है, और कालो जो कैरेक्टर तो खैर बनाया हुआ है, पर ये पूरे स्थान पर ही उसको शूट किया गया है आखिरी में, आखिरी के कुछ घंटों में। तो ये है वो भूतिया स्थल जहाँ पर कालो फिल्म की शूटिंग हुई है, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, जो एक छाया की तरह है कि बस में चढ़ता है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस जैसे उसकी चलचित्र उसकी काया रही है। ये खंडर, ये दीवारें आप मिट्टी की देखेंगे, आपको पूरी उस फिल्म में दिखेगी, आपको पता चल जाएगा उसमें कुलधर का कहीं भी जिक्र किया है। यही है छोटा सा स्थान। मज़े की बात ये है कि कुलधारा से लेकर एक आम धारणा है कि क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं रहता है इसलिए यहाँ भूत रहते हैं, तो आप इसको मज़े की बात भी सोचिए या हकीकत भी, जहाँ कोई नहीं रहते हैं वहाँ वाकई इंसान की दबी हुई खुशियाँ, उसके मन की मुरादें छुपी हुई रहती है जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। कौन कह सकता है ब्राह्मण जो लोग यहाँ रहते थे, जिन्होंने ये घर बनाया था, उन्होंने कितनी मन्नतों से, कितनी मुरादों से ये घर बनाया था, और जब उनको छोड़ कर गए तब उनके दिल में क्या बात चल रही थी। आज भी देखें तो कई जगह पर इतनी बमबारी होती है, इतना युद्ध छिड़ा हुआ है, घर द्वार ऐसे ही टूटे फूटे हालातों में, जब हम बनाते हैं तो उसे कितनी ही सुंदर से सजोते हैं, और जब उसे छोड़ कर जाना तो हमारे दिल में क्या क्या नहीं होता। कुलधारा पर एक नज़र पड़ने से ये ऐसा एहसास होता है कि लोग किस मुसीबत में और कितनी दुख के हालातों में इन पक्के घरों को, क्योंकि दीवारें आज भी कहती है, हर घर की दीवारें पक्की ग्रेनाइट की ईंटों से बनी है, और उस पर एक बहुत पक्का सा प्लास्टर उस जमाने का, जो कि आज के ज़माने में टिक नहीं सकता हमारा घर अगर टूट जाए तो, लेकिन कुलधारा सदियों से, यानी आप समझ लीजिए 300-400 सालों के बाद भी उसकी जो टूटी हुई हालत बार जो देख रही हैं आप, इसी गांव में इसी रेतीले और पथरीले और मटमैले स्थान पर उड़ती रहती हैं, इसी स्थल से ये हवा जो है, हालांकि यहाँ पर हमने आते हुए विंडमिल्स काफ़ी देखे, यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी होता है, पर यहाँ पर आते हुए आपको ये जो बवंडर तो नहीं कहेंगे पर रेतीला तूफान अचानक ही आते रहता है हवा के कारण से भी, और ख़ास करके अगर एक बताऊँ तो एक चक्रवाती इसका जो रूप लेता है इसी गांव के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो कि सन्नाटे में इस जगह को और काफ़ी सहमा देता है लोगों को। बाकी आपको कहीं भी, हाँ कहीं भी, मानो जैसे पुराने पंडित और जितने भी लोग घर छोड़े थे उन्होंने यहाँ याद दिलाने के लिए लोगों को छोड़ के रखा है कि हम यहाँ रहते थे, और अगर आज आप लोग रह रहे आए हो तो आप देखो कि हमने कितनी मुरादों से ये घर बनाया है। इसलिए हवा का उड़ना एक तरह से ये भी एक तरह से हमें ये आशय देता है कि हम यहाँ आज भी है, यानी वो पंडित, और आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो उनकी आत्माएं ये पुकार के कह रही कि घर द्वार संभाल लो लोगों, क्योंकि आगे चल के जब ये निकल जाएगी तो आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। बहुत मार्मिक दृश्य है घर का, हर घर टूटा है, पर एक बात है, जहाँ टूट के बिखर गए हैं तो भी वो खड़े हैं, ऐसे लग रहा है मानो जैसे कुछ कह रहे हैं। अब ये हमारे ठीक सामने खड़े हुए इस मंदिर के ऊपर भी थोड़ी सी व्याख्या दे दीजिए, आगे फिर हमारा अब समय हो रहा है तो मंदिर पता नहीं किस तरह से वो भी साथ सज्जा के साथ है, क्योंकि सब कुछ टूट गई थी पर मंदिर है। ये भी कह सकते हैं कि मंदिर की निर्माण की गई ताकि थोड़ा सा आकर्षण बना रहे पर्यटकों का। नहीं, हालांकि हमारे ड्राइवर ने आते हुए बताया कि इनका ही, गांव वालों का ही बनाया हुआ मंदिर रहा है, इसको खास आर्कियोलॉजिकल वालों ने, साइट वालों ने इसे अहमियत दी है, रख रखाव दिया हुआ है। अरावली की पर्वतमालाएं टूर में पवन चक्कियाँ, जैसलमेर की उन्नति की दृष्टिकोण से, भारतवर्ष की उन्नति की दृष्टिकोण से, सुदूर पार हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा बॉर्डर,
और जैसलमेर से और कुलधारा से एक सुंदर सा एहसास लेकर हम कैमरामैन सुचंद्रा के साथ अलविदा कहते हैं।